नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और ये है मेरा इस हफ्ते का फिल्म रिव्यू दरबान गेटमैन। बिपिन नटकर्णी लिखी, प्रोड्यूस, डायरेक्टेड दरबान कहानी है एक हवेली और तीन जनरेशंस की। सबसे पहले बड़े बाबू यानी हर्ष छाया, जो कोयले का धंधा करते हैं और हीरे की परख रखते हैं। बड़े बाबू अपने बेटे अनुकूल की देखभाल के लिए घर पर एक छोटा लड़का लाते हैं, रायचंद, और रायचंद परिवार का हिस्सा बन जाता है। कुछ दशक बाद छोटे बाबू यानी अनुकूल अपने बेटे, 2 साल के बेटे सिद्धू के लिए फिर से रायचंद को घर लाते हैं और फिर से रायचंद परिवार का हिस्सा बन जाता है। कोई नौकर को परिवार की तरह पालते हैं और कोई अपनी संतान को मालिक की तरह पालते हैं। साउंड्स कन्फ्यूजिंग, द आइडिया इज़ टू कन्फ्यूज यू। इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। हम बार बार विवाद करते हैं कि अच्छा कंटेंट, नया कंटेंट लिखना चाहिए, सोचना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि कंटेंट हमारे आसपास ही होता है, हमारी रोज़ की ज़िंदगी में, बस इसे परखने की नज़र चाहिए। दरबान का हीरो, दरबान की कहानी है, जो नोबेल प्राइज़ विनर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की शॉर्ट स्टोरी खोखा बाबू पर आधारित है। इसके अलावा फिल्म का ट्रीटमेंट, सॉफ्ट डिजॉल्व्स, पिक्चरस्क लोकेशंस और मेलोडियस म्यूजिक। फिल्म का माइनस, अगर इसे माइनस कहा जाए, तो फिल्म की रफ्तार। सब कुछ धीरे धीमे एक ही सुर में चलता है। देर इज़ नो एक्साइटमेंट, देर इज़ नो ड्रामा, देर इज़ नो हिस्टीरिया, एक्सेप्ट एक मार्केट प्लेस सीक्वेंस में जो आँखों को चुभता है। कोई भी किरदार अच्छा या बुरा नहीं है, बस उनके संजोग अच्छे और बुरे बन जाते हैं। हर्ष छाया, शरद केलकर, शबीर हाशमी और रसिका दुगल सब अपने रोल्स के लिए परफेक्ट है और बहुत अच्छा काम करते हैं। मगर जो एक्टर बगैर पर्दे पर आए हमारा दिल जीत लेते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, वो है फिल्म के नैरेटर अनु कपूर। साफ सुथरी दरबान को आप पूरे परिवार के साथ Z5 पर देख सकते हो। मैं भावना सुमाया दरबान को बिग रेटिंग्स देती हूँ, 3 स्टार्स। 92.3